We have been learning QuickBooks for the last many sessions now. And now we will know almost everything which needs to be known about QuickBooks Desktop. In the field out there, there is also QuickBooks available in online mode, that is, on cloud. A cloud-based QuickBooks team, the mom users. और नए आने वाले यूज़र्स में मकबूल हो रहा है इसकी बहुत सारी वजूहत हैं सबसे पहली वजह शायद आप समझ ही गए हो कि इसकी कीमत डेस्कटॉप वर्जन से कम है और छोटी कंपनियों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है थोड़ी सी बड़ी एसएमीज़ के लिए तो डेस्कटॉप आइडियल है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं हमारे पास आज जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं उसमें हमने ये देखना है कि अगर हम डेस्कटॉप से अपना सारा डाटा डेटा मूव करें अपने क्विक बुक्स ऑनलाइन पे, तो हमें किस किस्म की चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। दूसरा ये कि हमें क्विक बुक्स ऑनलाइन में और क्विक बुक्स डेस्कटॉप पे अगर कोई फ़र्क न है तो वो क्या है और याद रहे कि फ़र्क होंगे रीज़न कि जब डेस्कटॉप के ऊपर कोई बुक्स बनती है तो उसमें आप देख सकते थे कि हमारे पास होम पेज पे इतने सारे आइकॉन्स थे उनको क्लिक करके चीज़ें चलती थी लेकिन अगर यही पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी यही पूरी की पूरी स्क्रीन हम वेब बेस्ड क्लाउड बेस्ड किसी भी सिस्टम में डालेंगे तो वो वेब पेज बड़ा हैवी हो जाएगा हम चाहते हैं कि वहाँ लाइट वेट वेब पेज हो ताकि हमारा ज़्यादातर टाइम डेटा कम्युनिकेशन में निकले कि हमने जो डेटा किया है वो जाके पीछे सेव हो रहा है राधर दैन कि उसके ग्राफिक्स ही लोड होने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो ये एक छोटी सी जो डिफरेंस है ये तो हमेशा रहेगा जब तक कि हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो जाती और फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी लुक एंड फील बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह हो जाए कोई फ़िलहाल अभी दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है आपके यूज़र इंटरफेस के हवाले से इनकी डिटेल हम आगे जाके स्क्रीन की सूरत में भी देखेंगे लेकिन आज जो हम चीज़ें देखना चाह रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से हम अपना डेटा अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डेस्कटॉप टू अपना हाई लेवल ऑनलाइन पे तो हमें क्या क्या डेटा हम ले जा सकते हैं क्या डेटा नहीं ले जा सकते और किन किन जगह डेटा लॉस होने का खदशा है रीज़न बड़ा आसान और सिंपल है रीज़न ये है कि अभी ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सिस्टम इवॉल्व हो रहा है बन रहा है उसमें बेसिक सारी रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग की पूरी हो गई उसमें डेटा रखने की सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई लेकिन यूज़र इंटरफेस और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग एडिटिंग ये अभी वो चीज़ें हैं जिस पे काम करना बाकी है और जैसे ही हम आपसे ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है और हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों या साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें जो आज हमें लगता है कि उसमें मौजूद नहीं है वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाए इसमें बात सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद जानबूझ के अवेलेबल ना की जाए और हो सकता है वो अवेलेबल भी हो जाए मिसाल एक बड़ी सिंपल है आपके पास जब डेस्कटॉप आपका एप्लीकेशन होगी तो उसमें आप एक से ज़्यादा कंपनियाँ आराम से खोल सकते हैं आपने उनके डेटा बेस अलहदा बनाने हैं कंपनियाँ बन जाएंगी आप उसको जिस तरह से चाहे जौन सी कंपनी चाहे, वो ओपन करें और इस्तेमाल करें क्योंकि आपने क्विक बुक्स ख़रीदा हुआ है लेकिन ऑनलाइन में ये थोड़ा सा हिंड्रेंस है और बड़ी लॉजिकल रीज़न है इसकी कि आपने जितनी कंपनियाँ खोलनी हैं आपने उतने ही लाइसेंस लेने क्योंकि उसके ऊपर इसकी कॉस्ट बहुत कम है तो वो चाहते हैं कि आप जितनी कंपनियां बनाएं उसके भी कंपनी को पे करें इसलिए फ़िलहाल आप ऑनलाइन में सिर्फ एक कंपनी खोल सकते हैं दूसरी कंपनी खोल खोलने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और एक और लाइसेंस लेना पड़ेगा इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हम बासानी इसमें कर लेते थे वो शायद हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन में पॉसिबल ना हो लेकिन क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है उसकी तरतीब हम आप देखते हैं सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम यहाँ से अपना डेटा एक्सपोर्ट करें और ऑनलाइन में इंपोर्ट करें तो वो फंक्शनैलिटी हमें वहाँ नहीं मिलेगी या हमें दोबारा से वो काम करना पड़ेगा हमारे जो क्विक बुक्स के डेस्कटॉप के बड़े वर्जनज हैं जिसमें प्रीमियर और एंटरप्राइज एडिशन हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ये मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म भी हैं एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग इस पर काम कर सकते हैं इसके अंदर हमारे पास पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सेल्स सिस्टम मौजूद है जिसमें सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है सेल्स ऑर्डर आपके लिए समझें आप कि बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है जिस तरह से आप अपने किसी भी वेंडर को परचेज ऑर्डर देते हैं, सेल्स ऑर्डर का मतलब यह है कि आपने ये ऑर्डर एक वक्त में ना सही पार्शली एक से ज़्यादा दफा करके कंप्लीट करना है और जितना भी हमारा बड़ा सिस्टम होगा वह तमाम सेल्स ऑर्डर पे चलते हैं इसी तरह हमारे प्रीमियर या इंटरप्राइज एडिशन में सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का पूरा का पूरा एक फंक्शन मौजूद है लेकिन फ़िलहाल ये फंक्शन हमारे पास हमारे ऑनलाइन वर्जन में मौजूद नहीं है इसी तरह से हमारे पास परचेज़ ऑर्डर है लेकिन परचेज़ ऑर्डर जो हमारे पास इस वक्त इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं जब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो इनकम्प्लीट परचेज़ ऑर्डर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे आपने ये तमाम चीज़ें नोट करनी है डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले फ्रॉम डेस्कटॉप वर्जन टू ऑनलाइन वर्जन जब हम कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमें इस तमाम चीज़ें अपने पास नोट करनी चाहिए हमेशा कन्वर्जन शुरू होने से पहले याद रखें कि हम अपनी तमाम डिटेल्स जो हमें लेके जानी है और शॉर्टकमिंग सामने रखते हुए अपना डेटा कंपाइल करते हैं हर चीज़ नोट करते हैं ताकि जो जो चीज़ें हमें डेटा ट्रांसफ़र के बाद नई जगह जाके आपके ऑनलाइन सिस्टम में करनी है वो हमें पता हो कि हमने क्या क्या काम करने पी का फंक्शन हमारे पास ऑनलाइन मौजूद है लेकिन हमारे पास पार्शल पी जो हमारे पास चल रहा होगा उसको डेटा के थ्रू ट्रांसफ़र करने का मेकनिज़म अभी नहीं है रीज़न भी आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम पार्शल पीओ बनाते हैं और पार्शली उसको हमारे पास पीओ की चीज़ें आना शुरू हो गई हैं तो ये सारा जो है इंफॉर्मेशन ये लिंक्स और डेटा बेस टेबल के आपस के जो लिंक्स हैं उनके थ्रू मेंटेन किया जाता है अभी फ़िलहाल ये लिंक्स और आपस में जो इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है वो फौरी तौर पे ऑनलाइन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता और हो नहीं रहा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पी ओ वहाँ नहीं है जो पार्शल पी ओ हैं वो आपको वहाँ दोबारा से क्रिएट करना पड़ेंगे नोट करना पड़ेंगे ताकि उनका सिलसिला भी जारी रखा जा सके एक और चीज़ जो हमारे एंटरप्राइज़ वर्जन में होती है वो है इन्वेंट्री के लिए मल्टीपल वेयर हाउसिंग बड़ी कंपनियों के पास ऐसे ही होता है कि उनके पास शहरों में मुख्तलिफ़ शहरों में वेयरहाउस होते हैं बल्कि एक शहर में एक से ज़्यादा वेयरहाउस हो सकते हैं जहाँ इन्वेंट्री रखते हैं और हमारा पूरा सिस्टम जो एंटरप्राइज़ डेस्कटॉप का है वो इस चीज़ को हैंडल करता है लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ़ एक इन्वेंट्री वेयरहाउस की प्रोविज़न मौजूद है याद रहे कि ये फ़िलहाल एक फैक्टर है जिसे हमें हैंडल करना है लेकिन ये वो चीज़ है जिस पर काम होता है और ये बहुत जल्दी कवर भी हो जाएगा लेकिन फ़िलहाल आपके पास प्रोविज़न इन योर क्विक बुक्स ऑनलाइन इज फॉर वन वेर ऑफ इसी तरह अगर आपको सिस्टम्स का इन्वेंट्री का कुछ पता है तो बहुत सारी इन्वेंट्री इस तरह से होती है जो कि लॉट्स में रखी जाती है और एक ही टाइप की इन्वेंट्री डेट और टाइम स्टैम्प के साथ लॉट्स में रखी जाती है हमारे पास एंटरप्राइज एडिशन में ये तमाम डेटा बाय लोकेशन और लॉट्स मौजूद होता है लेकिन अभी फ़िलहाल ऑनलाइन में ये प्रोविज़न मौजूद नहीं है तो आपने जो भी फ़ैसला करना है कि ऑनलाइन पे जाना है नहीं जाना ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए करना है इसके बाद मैंने आप अगर आपको याद हो काफ़ी एम्फसाइज करके आपको बताया था कि हम अपने पास किसी भी आइटम का मैनुफेक्चरर्स नंबर ज़रूर रखते हैं ताकि जब हम उसकी परचेज़ ऑर्डर बनाएं उसको ऑर्डर दें तो हम उसको उसका पार्ट नंबर बता सकें तो मैनुफैक्चरर्स पार्ट नंबर की प्रोविजन इस वक्त सिस्टम में किसी ना किसी तरह ऑनलाइन में मौजूद है लेकिन डेटा फिलहाल हम ट्रांसफ़र कर नहीं सकते इसी तरह आइटम की अगर हमने एक से ज़्यादा लेवल बनाए हुए हैं तो हमारे नए सिस्टम में वो भी नहीं जाएंगे ऑनलाइन में यूनिट ऑफ मेजर भी फिलहाल हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता टू ऑनलाइन ये तमाम चीज़ें आप जब भी आप ऑनलाइन में जा रहे हैं उससे पहले आपने सोचनी है सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स देखने फिर फैसला करना है कि हमने यहाँ से वहाँ कन्वर्ट होना है या नहीं होना और अगर उसके बावजूद आपने होना है तो इस शॉर्ट कमिंग्स को आपने किस तरह से कंप्लीट करना है यह आपने डिसाइड करने के बाद ये एक्टिविटी शुरू करनी है एक्टिविटी शुरू करने के बाद डिसाइड नहीं करना आगे चलते हैं इसमें एक और चीज़ जो लॉस्ट हो जाती है वो है असम्बलीज अगर आपको याद होगा असेंबलीज हमारा वो इन्वेंट्री आइटम है जो असेंबल किया गया है मुख्तलिफ आइटम से जो हमारे पास मौजूद थे इन्वेंट्री आइटम हमारे पास आते हैं हम उन्हें जोड़ के उनके पार्ट्स जोड़ के एक कंप्लीट असेंबल्ड आइटम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन फ़िलहाल उसका बिल ऑफ़ मटेरियल रेसिपी जिसे कहते हैं वो अभी हमारे पास सीधा वहाँ नहीं जा सकता और सिर्फ आइटम्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम आर क्विक बुक्स रेगुलर टू क्विक बुक्स ऑनलाइन इसकी तरह हमारे पास आइटम की अगर सब कैटेगरी हो तो अभी फिलहाल जो मैकेनिज्म ऑनलाइन सिस्टम ने दिया है वो ये किया है कि हर सब आइटम के पेरेंट को उसने कैटेगरी करार दे दिया थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी फ़र्क हो गई है फ्रॉम क्विक बुक्स डेस्कटॉप टू क्विक बुक्स ऑनलाइन जहाँ भी सब आइटम आएगा आइटम के नीचे तो जो उसका पेरेंट होगा वो कैटेगरी कहलाएगा हमारे पास आइटम और सब आइटम की टर्मिनोलॉजी चलती थी एज़ फार एज़ क्विक बुक्स डेस्कटॉप इज़ कंसर्न लेकिन अब उसको ये कैटेगरी क्या है और हमें पता होना चाहिए कि जब हम ऑनलाइन में कोई चीज़ ट्रांसफर करेंगे तो कैटेगरी क्या चीज़ है अगर आपको याद होगा कि हमने आइटम बनाया था सीमेंट और उसकी जो सब आइटम्स थे वो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट था और वाइट सीमेंट था सीमेंट हमारा पेरेंट आइटम था लेकिन इस केस में इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड अ कैटेगरी और एक और अहम चीज़ जिस पर हमने काफ़ी एम्फोसाइज़ किया था वो था जब हम पीरियोडिक अपना ऑडिट करते हैं फिज़िकल तो उसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज आया है या हमारी वैल्यू में कोई चेंज आया है। उन दोनों के हमने फॉर्म्स बनाए थे ऑडिट किया था और फॉर्म्स हमने अपने सिस्टम में एंटर किए थे फ़िल वक्त ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आप सिर्फ क्वांटिटी वैल्यूएशन कर सकते हैं आप उसकी अमाउंट की वैल्यूएशन करेक्शन नहीं कर सकते लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो कि हमारे पास कोई काम हमारा रोके क्योंकि ये साल में एक दफ़ा ये काम होता है और अभी भी क्विक बुक्स वाले इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं और ये याद रखें कि ऑनलाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जैसे ही कोई अपडेट आता है तो वह तमाम यूज़रों को मिल जाता है यानी डेस्कटॉप में अगर तो आपने उनसे ऐसे ले किया हुआ है तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे वर्जन आपका अपग्रेट होता रहेगा लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो आपने मंथली चार्जेस देने हैं आपने उतने ही देने हैं अपडेट्स के फर्दर चार्जेस आपने नहीं देने और जैसे जैसे ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ अवेलेबल होंगी तो ये तमाम यूज़र्स के लिए हो जाएंगी और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं देना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पेंडिंग जो हमारे पी थे वो हम आगे ले जा नहीं सकते और इसी तरह पेंडिंग इन्वाइस उनको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि इसका ये ट्रैक लोकली रख रहा है और अभी वहाँ जो मेकनिज़म बन रहा है जब वो बन जाएगा कंप्लीट हो जाएगा तो ये इनकम्पलीट या पार्शियल इन्वाइस भी वहाँ जा सकेंगे इसके साथ साथ एस्टिमेट उसके साथ भी वही मसला है एस्टिमेट अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है अगर पार्शली ओपन पड़ा है तो अब वो एस्टिमेट आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ ये हमने नोट भी करनी है और ये देखना है कि इसको ओवरकम भी कैसे करेंगे अपने नए एनवायरनमेंट में इफ़ वी डिसाइड टू गो फॉर ऑनलाइन सिस्टम इसी तरह से हमारे कस्टम बने हुए पीओ एस्टिमेट्स, रसीदें क्रेडिट मेमो इन वॉइस की टेम्पलेट्स वगैरह जो हमने कस्टमाइज़ कर लिए हैं वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इसकी एक बड़ी सिंपल रीज़न है वो ये है कि जो हमारा सिस्टम हमारे पास चल रहा है डेस्कटॉप के ऊपर उसमें आपके पास एक बड़ा पावरफुल एडिटर मौजूद है जिसमें आप किसी तरीके से भी अपना इन फॉर्मेट कर सकते हैं और हमने वो यूज़ करके भी देखा हम उसके बॉक्सेस इधर से उधर मूव कर सकते हैं नई चीज़ें डाल सकते हैं लोगो डाल सकते हैं तमाम चीज़ें डाल सकते हैं और ये एडिटर हमें क्विक बुक्स वालों ने दिया हुआ है और बड़ी आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अब यही एडिटर आप ख़ुद सोचें कि अगर इसी फंक्शनैलिटी का पूरा एडिटर आपको दे दिया जाता क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग पे तो वो कितना हैवी होगा हर किस्म का एडिटर बेहतर होता है कि वो डेस्कटॉप पे चले और क्योंकि अभी इतना हैवी एडिटर वहाँ नहीं दिया जा सकता ये रीज़न है कि आपने जितनी कस्टमाइजेशन की होगी वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी वहाँ कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत की जा सकती है लेकिन उतनी वर्सेटाइल जो आप उसमें अमेंडमेंट या टेम्परिंग करना चाह रहे हैं अपनी इन की शक्ल में वो वहाँ पॉसिबल नहीं होगी थोड़ी बहुत वहाँ की जा सकती है रीज़न यही है कि इतना हैवी एडिटर इतना पावरफुल एडिटर वहाँ देने में आपको पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा आपका चलाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए इतनी हैवी चीज़ें वहाँ नहीं देते तो हमारे पास जितनी आपने कस्टमाइजेशन की हुई है अपने फॉर्म्स की अपनी रिपोर्ट्स की वो फ़िलहाल आप नहीं लेके जा सकते ऊपर इसके अलावा जो हम देखना चाहेंगे जो वहाँ नहीं जा सकती चीज़ें वो हैं वो ट्रांज़ेक्शन्स वो डॉक्यूमेंट्स वो रिपोर्ट्स जो आपने मेमोराइज़ करवाई मेमोराइज़ ये होती है कि ये हमारी ओरिजिनल रिपोर्ट है लेकिन इसको हमने चेंजेस करके फिल्टर्स लगा के शक्ल बदल के कस्टमाइज़ करके इसको हमने मेमोराइज़ करके रख लिया फ़िलहाल आप ये मेमोराइज़ रिपोर्ट्स मेमोराइज़ फॉर्म्स ऊपर लेके नहीं जा सकते फ्रॉम डेस्कटॉप टू ऑनलाइन और रीज़न वही है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तमाम लिंक्स और डेटा वहाँ लेके जाना एक फ़िलहाल थोड़ा सा दिक्कत तलब काम है और जितना हम सोफिस्टिकेशन उठा उठा के अपने क्लाउड पे लेके जाएंगे उतना ही हमारा वेब पेज स्लो होने का चांस है लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि अब स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है 5G आ रहा है और ये लिमिटेशन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि बाय द टाइम आपका ये कोर्स ख़त्म हो तो हमारी बहुत सारी लिमिटेशन ख़त्म हो सकती हैं और हो गई होंगी लेकिन ये सारी चीज़ें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मौजूद है याद रहे कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो अभी आप कर, देख रहे हैं सुन रहे हैं ये हो सकता है कि सिक्स मंथ डाउन द रोड वैलिड भी ना रहे जो चीज़ वैलिड रहेगी वो तो यूजेज है ऑफ आपका क्विक बुक्स सिस्टम इट सेल्फ वो तो उसी तरह से चलता रहेगा जैसे पहले से चल रहा है लेकिन ये जो लिमिटेशन अभी आपको मैंने बताई है हो सकता है कि डाउन द रोड ये ख़त्म हो जाए तो हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे फिल वक्त इसकी यही सूरत हाल है इसके अलावा जितने भी आपने कस्टमाइज हेडर्स बनाए वो और टेम्पलेट्स बनाए हैं वो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते टू योर ऑनलाइन सिस्टम इसी इसके अलावा आपका रिप्रेजेंटेटिव शिप वायर एफ ओ बी शिपिंग डेट और इस तरह की तमाम चीज़ें जो यहाँ एडिशनली मौजूद थी वो फिल वक्त हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम में मौजूद नहीं है सेल टैक्स को आपने दोबारा जाके अपने कस्टमर्स के लिए रिकनफिगर करना है इन योर क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम यानी कि आपने एक दफ़ा इन तमाम की डिटेल एक जगह रखनी है और दोबारा जाके उसे एंटर करना है जब आप अपने ऑनलाइन सिस्टम में डेटा कन्वर्ट कर चुके हों एक और चीज़ जो वहाँ हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वो है ग्रुप आइटम्स अच्छा ग्रुप आइटम जो कि आपको पता है कि हमारे पास मौजूद आइटमों को मिला के जो एक मजमू बनाया जाता था और हम उसे एज़ अ ग्रुप आइटम सेल करते थे और जैसे हम ग्रुप सेलेक्ट करते थे हमारे आइटम की इन्वेंट्री उसी तादाद से कम हो जाया करती थी लेकिन यहाँ अभी प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि हम ग्रुप आइटम बनाएं और ग्रुप आइटम का डेटा ट्रांसफ़र करें लेकिन वंस अगेन एवरी थिंग इज़ इन द वर्क्स। बाकी जो चीज़ें नहीं हैं जो हमें मसला हमने पॉइंट आउट करने हैं नोट करने हैं वील टेक अप इन आर नेक्स्ट पार्ट